संसार पे। तो दोस्तों ये हमारे एचटीएमएल सीरीज की वीडियो नंबर 26 है, जिसमें आज आपको बताएंगे कि एचटीएमएल की डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, इसका यूज क्यों किया जाता है, उसका इम्पोर्टेंस वेब पेज में क्या है फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, हम बताएंगे एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एचटीएमएल की लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, उनको कैसे लिखा जाता है, उनके एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि ये पिछले वीडियो का कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आ रहा है आई बटन पे क्लिक करके आप पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने का कैसे डिफाइन किया जाता है, कौन सा टैग है फ्रेंड्स? डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने का सिंपल टैग है डीएल। ओके फ्रेंड्स, डीएल टैग है, डीएल यानी डिस्क्रिप्शन एल से लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, उसका सिंटैक्स कैसे होगा, आप लिखेंगे कैसे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये ओएल और यूएल से डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, डिफरेंट है उससे। इसको लिखने का सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि आप डीएल लगाएंगे और डीएल को लॉक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाहर बाहर, अंदर में क्या लिखेंगे, डीटी, जो आपका जो मेन हेडिंग हो, जिसको आपको डिस्क्राइब करना हो, जिसको जिसके बारे में, वो आप डीटी से लॉक करेंगे। और जिस जो डिस्क्रिप्शन हो उसे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, डीडी से लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ डीटी का मतलब क्या है, डीटी का मतलब डेफिनेशन टैग, और डीटी का क्या मतलब है, डेफिनेशन डेटा। जो भी टैग हो उसका डेटा, उसके बारे में क्या आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिखने का सिंटैक्स ऐसे है, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि ना तो आप इसे नंबरिंग दे सकते हैं, नंबरिंग वाला नहीं है। ओके फ्रेंड्स, उसको नंबरिंग करने के लिए जो पिछला था वो था, ये डिस्क्राइब करने के लिए, किसी पर्टिकुलर थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं नोटपैड ओपन करके। तो फ्रेंड्स ये हमारा पिछला कोड है, कुछ जो हमने आपको बताया था पिछला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, उसमें आपको ये नई थिंग बताई थी फ्रेंड्स ओएल का यूज करके। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, इसे हमने सेव भी किया था लिस्ट वन के नाम से। तो हम नई फाइल नहीं बनाते हैं, इसी में कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम क्लियर कर देते हैं, पिछले वीडियो में लिखा था, क्लियर करके यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिखा है, यहाँ हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं या डीएल लिख लेते हैं, यहाँ डीएल लिख लेते हैं। तो इसका लिखने का तरीका कैसे है फ्रेंड्स, जैसे आपको कुछ डिस्क्राइब करना, पहले आप वो बना लें इसका आउटर एरिया डीएल से। ओके फ्रेंड्स, डीएल लॉक कर दें, आप जो शुरू करें वो शुरू में ही लॉक कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको क्या डिस्क्राइब करना है, हमें इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करना है, INDIA। ओके फ्रेंड्स, इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे करेंगे, इंडिया लिखिए, इंडिया को आप किस टैग से लेंगे, इंडिया के बारे में करना है ना, तो आप इसे किससे लिखेंगे, डीटी से, डेफिनेशन टैग। ओके फ्रेंड्स, इसे लॉक करेंगे किससे, डीटी से, ये हो गया। अब आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए डीडी टैग को क्लोज कर लेंगे, और इसी के अंदर जो इसको डिस्क्राइब करना हो, इंडिया इज अ ग्रेट स्पेस में दिए कंट्री, थोड़ा सा सेव किए फ्रेंड्स। अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे, अब आप इसे ओपन कीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, कैसे आया फ्रेंड्स, किस फॉर्मेट में। अगर इसके नीचे आप और कुछ लिखते हैं, आप और बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें आपको बस केवल li लिखना था, लेकिन इसमें आपको li का यूज नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें स्पेस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब एक आपको और बनाना है अमेरिका के लिए, तो आप इसे डीटी लिखिए, यहाँ पे यूएस लिख लेते हैं, यूएसए। ओके फ्रेंड्स, इसे आप क्या करेंगे, लॉक कर देंगे किससे फ्रेंड्स, डीटी,
इंस्टा टैग, टैप लगाएंगे, टैप दिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, डीडी, इसके डिस्क्रिप्शन, डेटा डिस्क्रिप्शन, तो आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड है ही फ्रेंड्स, डेवलप्ड, कैसा प्रीव्यू आ रहा होगा आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे फ्रेंड्स। कंट्रोल से सेव करके यहाँ से रिफ्रेश कीजिए, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का फीचर बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, डीएल टैग का, ज्यादातर यूज होता नहीं है लेकिन ज्यादातर ओएल का यूज होता है फ्रेंड्स, जो आपको शुरू ओएल नहीं यूएल का जो आपको शुरू में बताए थे। ओके फ्रेंड्स, मेनू डिजाइन करने के लिए यूएल का यूज होता है, अनऑर्डर लिस्ट का तो फ्रेंड्स ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी जानने के लिए बेसिक नॉलेज के लिए आपको अगर लिखना और डिस्क्रिप्शन टाइप का तो आप इसका यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, डीएल टैग का, डीएल के अंदर डीटी डीडी डीटी डीडी। ओके फ्रेंड्स, आप ऐसे जितना चाहे उतना में उतना बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एचटीएमएल से आप नेस्टेड लिस्ट कैसे, मिक्सचर कैसे तैयार करेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि वन रहता है, वन वन उसका उसके बारे में लिखा होगा, उसके बाद उसका ऑप्शन दिया होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन वो एबीसीडी में रहेगा, तो आप वैसा कैसे क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स। उसको क्रिएट करने के लिए आप नेस्टेड एलिमेंट का यूज करेंगे, तो नेस्टेड एलिमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की हमारी वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमारी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, मन में छोटा भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे फ्रेंड। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट में बता दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।